वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीसी मशीन से रिलेटेड एक वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों यूज करते हैं और क्यों हम लोग बिना स्टार्टर के डीसी मोटर नहीं चला सकते। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आपको बताते हैं कि हम लोग डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। देखिए, हम लोग को पता होता है कि डीसी मोटर में स्पीड और बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई। स्टार्टर क्या होता है, सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि स्टार्टर एक हाई रेजिस्टेंस सर्किट होता है जो कि हम लोग डीसी मोटर के आर्मेचर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो डीसी मोटर के साथ क्या कर देते हैं, स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। स्टार्टर क्या होता है, आपका हाई रेजिस्टेंस का सर्किट होता है। अब देख लीजिए, क्योंकि जब डीसी मोटर हमारी आपका इनिशियल कंडीशन में होती है तो क्या होती है, वो रुकी हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईबी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैक ईएमएफ तभी होगा जब हमारा जो आपका रोटर होगा वो घूमेगा और ईएमएफ इंड्यूस करेगा, अपने अंदर फ्लक्स को कट करेगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब तक कि हमारी मोटर रुकी हुई तब तक के बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो रहेगी, और जैसे ही हमारी बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो गई तो ईबी बराबर होता है वी माइनस आईआर ए। तो जैसे ईबी की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो गया, वी माइनस आईआर ए बराबर जीरो हो गया, फिर वी इज इक्वल टू आईआर ए हो जाता है और आईए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन आर ए। क्योंकि अब हमको पता है कि आर ए क्या है, यहां पर आर्मेचर का प्रतिरोध है, तो आर ए की वैल्यू बहुत लो होती है। तो आर ए की वैल्यू जब बहुत ज्यादा कम होगी तो इससे क्या हो जाएगा, आई जो होगा वो बहुत अधिक हो जाएगा, आर्मेचर करंट जो हो जाएगी वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आर्मेचर की करंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, इसके मान जब बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर टी हीट, आर्मेचर में क्या होगा, हीट जनरेट होने लगेगी, आई स्क्वायर आर टी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा आर्मेचर गर्म होने लगेगा। और जैसे ही आर्मेचर गर्म होगा तो कुछ टाइम के बाद हमारा आर्मेचर जल सकता है, उसकी वाइंडिंग खराब हो सकती है, मोटर खराब हो सकती है। तो मोटर को खराब होने से बचाने के लिए हमको इस करंट की वैल्यू को लिमिट में करना होगा, और इस करंट को लिमिट में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू बहुत अधिक हो, ताकि इस आर्मेचर की करंट को कम किया जा सके और अपने आर्मेचर को सेव किया जा सके। तो इस चीज के लिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस का एक सर्किट लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टार्टर। स्टार्टर कहेंगे उस स्टार्टर को आर्मेचर के सीरीज से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आर्मेचर की करंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर आर ए का मान बढ़ जाएगा और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और उसको लिमिटेड अमाउंट में हमको जितनी हमारी मोटर करंट की वैल्यू ले सकती है, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर सकती है, कितनी हीट पर चल सकती है, उतनी वैल्यू की हीट उसको हम लोग देते हैं, उससे ज्यादा की अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग कम कर देते हैं, और इसीलिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है तो आप आसानी से बता देंगे उसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो खास तौर से आप ही लोग के लिए है और इससे आपकी काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।